हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अम्ब्रेला वाली बाजू बनाना सिखाएंगे। इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाया जाता है और इसमें साइड में एक भी सिलाई नहीं लगती है। तो चलिए इसको किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने टॉप की कटिंग कर ली है और इसकी मैंने कल वीडियो भी बनाई है, तो आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो अब हम ऊपर की तरफ आधा इंच पर निशान लगाएंगे, आधा इंच पर हमारे शोल्डर से ले जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं से आर्म होल की लंबाई नापेंगे। तो हमारी देखिए आर्म होल की लंबाई 7 इंच आ रही है, जहाँ पर हमारा फिटिंग वाला निशान लगा है वहीं तक हमें नाप लेना है। तो हमारी आर्म होल की लंबाई 7 इंच आ रही है। तो अब हम कपड़े को लेंगे और इसको इस तरह से रख लेंगे। फिर हम अपनी साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इधर की साइड भी फोल्ड कर लेना है। जो हमारी बंद साइड है वो हमने अपनी तरफ रखी है। तो अब हम कटिंग करेंगे। आर्म होल की लंबाई हमारी 7 इंच है, तो 7 को आधा करेंगे तो 3.5 इंच आ रहा है। तो 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। फिर हम बाजू की लंबाई नापेंगे। यहाँ पर देखिए बाजू की लंबाई हमारी 7.5 इंच आ रही है, तो 7.5 इंच पर हमें पूरे में गुलाई से निशान लगा लेना है। और लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कम ज़्यादा। बाजू की लंबाई 10 इंच तक ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम कपड़े के हिसाब से 7.5 इंच पर गुलाई से निशान लगा लेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि यहाँ आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो अब हम दोबारा से निशान लगा लेंगे अच्छे से। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जहाँ पर निशान लगा है वहीं पर हमें कटिंग कर लेनी है। और दोस्तों इस बाजू को बहुत ही आसान तरीके से बनाया जाता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने बाजू की कटिंग कर ली है। तो अब हम इसको सिलना सिखाएंगे। तो पहले हम एक बाजू को लेंगे और इस तरह से पहले एक बार फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। पूरे गुलाई में हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, एक ही फोल्ड करके सिलाई लगानी है। बाद में हम दोबारा से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने एक बार फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने पूरे में फोल्ड करके सिलाई लगा ली है दोबारा से। तो अब हम दो कॉर्नर को इस तरह से पकड़ लेंगे और यहाँ पर कट लगा देंगे। एक हिस्सा हमारा नीचे की तरफ रहेगा और दूसरा वाला हिस्सा हमारा शोल्डर के बीचों बीच रहेगा। तो यहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे।
इससे हमें पता चलता रहेगा। तो अब हम इसको सीधी तरफ से पकड़ेंगे और इस तरह से रख लेंगे। फिर हम टॉप को लेंगे और टॉप को हमें उल्टा रखना है। फिर हम इस बाजू को अंदर की तरफ रखेंगे, देखिए इस तरह से। और जो हमने कट लगाया है वो कट हमें फिटिंग वाली सिलाई पर इस तरह से रख लेना है। और जो हमारा मार्जिन है उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरीके से हम आधा इंच कपड़ा छोड़ के बाजू को सिलते जाएंगे। और जो हमने दूसरा वाला कट लगाया है वो कट हमारा शोल्डर के बीचों बीच रख के सिलेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा कट आ चुका है और ये कट हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से प्लेटें डाल लेते हैं। यहाँ पर हमारी एक प्लेट डलेगी। और दूसरी तरफ नाप के इस तरह से जितना भी हमारा बाजू का कपड़ा है उतना हमें इस तरह से प्लेटें डाल लेनी है। यहाँ पर हमारी दो प्लेटें आई हैं तो इसको इस तरह से सिलते जाएंगे। तो हमने एक सिलाई लगा ली है तो अब हम इसमें डबल सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने डबल सिलाई भी लगा ली है और एक बाजू हमारी सिल चुकी है, देखिए इस तरह से। और सेम ऐसे ही हमें दूसरी बाजू को भी सिल लेना है, जैसे मैंने पहली वाली बाजू सिली है उसी हिसाब से। तो इस तरह से हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। तो हमारी अम्ब्रेला वाली बाजू सिलकर तैयार हो गई है और इसको हमने बहुत ही आसान तरीके से बताया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।